जब लोगों को दुख होता है ना आजकल तब राजपाल यादव मीम टाइप करते हैं सर्च बार पे फिर अपने दुख को भूल जाते हैं आप, आपने कभी ये किया ये दिया तो हमने ये <laughs> <laughs> ये बहुत बड़ा मीम बन चुका है तो चार एक्सप्रेशन वन टू थ्री फोर आ, ए, 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 तो वो <laughs> मैंने अकेले में एक्सप्रेशन कई बार किया लेकिन इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाया जब आप और अक्षय कुमार एक स्क्रीन में होते हैं बहुत मैजिक होता है फिर हेरा फेरी इनमें आप सब में आप, आप दोबारा फिर देख पाएंगे कभी आपकी बात जॉनी से हुई जॉनी भाई दूसरा नहीं हो सकता और ये जब तक है या जब तक सिनेमा है तब तक ये ऐसे ही रहने राजपाल यादव और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे सीरियसली कोई ले रहा है ये आप क्यों कह रहे हो आपके दिमाग में क्या चल रहा था सर बॉडी लैंग्वेज जेनरेट करने के लिए की लड़की अगर पहलवान है तो ये उठा के पटकेगी भी तो कोई समस्या नहीं है <laughs> मेरे एक दोस्त है मुनावर फारूकी उन्होंने जेल में कुछ वक्त गुजारा हाँ, आपने भी वक्त गुजारा है ना? हाँ, हाँ, हाँ. वो सच में बहुत ज्यादा नेगेटिव जगह होती है की सबसे छोटी इंट्रो इट्स राजपाल यादव ऑन टी आर एस और क्या ही कहना है राजपाल यादव का स्वागत है द रणवीर शो में थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर शो में हमें बुलाने के लिए कैसे हो सर मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको देख के और भी अच्छा हो गया <laughs> सेम सेम मुझे <laughs> वही कहना है कि कुछ कुछ गेस्ट होते हैं जिनके लिए आ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेप करता हूँ पर प्रेप करते वक्त ये पता चलता है कि प्रेप करने का को कोई फायदा नहीं है <laughs> क्योंकि बातें अच्छी होंगी बहुत रियल कॉन्वर्सेशन होगी मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे सीरियसली कोई ले रहा है ये आप क्यों कह रहे हो नहीं कि नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारी बात करके मौज मस्ती करेंगे लेकिन आपने हमसे जब अंदर आया तो बोले कि अपन ऑर्गेनिक बात करेंगे तो उसमें सारी तैयारी का प्रिपरेशन करने का जो बोझ है वो ख़त्म हो गया आपके लल्लन टॉप और बॉम्बे जर्नी के इंटरव्यू देख रहा था जी आ, पर फिर भी मुझे आपके पास के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जाननी है दो मैंने पास के बारे में जाना मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने फिल्म करियर को किस नज़रिए से देखते हो मैं बिल्कुल एक, एक स्टूडेंट और जो है वो मदर पुत्र की तरह है मुझे नहीं मालूम कि हमारा क्या करियर है लेकिन मैं जब से मुझे पैदा हुआ हूँ तो बच्चा सात साल तक की मेमोरी रहती है जैसे आपने माय चाइल्डहुड मैक्सिम गोर्की साहब का कोई बच्चे ज़्यादा थोड़े ब्राइट पाँच साल तक की याददाश्त रहती है। लेकिन सात साल तक ब्रेन जो है वो याद रखता है तो मैं अपनी माँ से पूछता था कि बचपन में मैं क्या करता था तो वो बोलती थी कि पता नहीं क्या करते थे लेकिन कुछ बेढंगा ही करते थे <laughs> फिर उसके बाद में जब छोटे स्कूल में आया प्राइमरी तक उसमें खड़े होने के लिए कांपने लगे फिर धीरे धीरे खड़ा होना छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त या जो छोटे मोटे कला कल्चर के प्रोग्राम होते हैं स्कूल्स में और धीरे धीरे ऐसा लगा कि कला हवा में रहती है और वो शंकर जी का एक अलग रूप है हनुमान जी के रूप में मनोरंजन के रूप में सबसे बड़े मनोरंजन कुमार तो भगवान शंकर हैं जो कहीं कहीं पर उन्होंने हनुमान जी के रूप में अपनी कभी ब्राह्मण के रूप में कभी बोलते हैं ना पूछ कर ली तो कभी कॉमिक उसमें लेकिन बल और तन मन जो बल है वो सत्यहिंसा दया पवित्रता के आंचल में बैठ के अगर उनको बल याद दिला दिया जाए तो संयोजन क्रॉस कर सकते हैं तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कला का पुत्र हूँ मैं और नेचर मेरी नानी है वाह जिसमें जलवायु अग्नि धरती आकाश पाताल ये नेचर है और बोलते हैं कि माँ माफ़ कर देती है लेकिन नानी से पंगा बहुत भारी पड़ता है तो कला का विद्यार्थी हूँ कला हमारी माँ है जिसको जीता हूँ जीवन में कभी अभिनय के रूप में और कभी जीवन के रूप में ताकि जीवन को भी थोड़ा कलात्मक तरीके से सरलता से जिया जा सके और तो जो रणवीर भाई जो आपका क्वेश्चन है कि आप करियर के बारे में सोचते हैं और एक्चुअली हम कला को के पैशन को जीते हैं जब से आज अड़तीस साल लगभग मुझे हो गए जब छोटा जिस एटथ के बाद में मुझे याद है एक नाटक हुआ था अंधा युग नाइन्थ में जब पढ़ रहा था तो वे गांव में मैंने किया था चरकी देवरी पवरैया और वहाँ से पढ़ाई की फिर ट्रेनिंग भी की फिर भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में भी पढ़ा दो साल फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में दो साल पढ़ा तीन साल पढ़ा लेकिन करते करते अब भी जो लगभग सैंतीस अड़तीस साल एवरी डे इज बिगनिंग डे एवरी डे इज न्यू डे एवरी डे इज वर्किंग डे एवरी डे इज़ लर्निंग डे ये मतलब इनको लेके चल रहा हूँ तो कला की सेवा में जो होते हैं जो खाना बनाने से और खिलाने के शौकीन होते हैं उनका करियर नहीं होता है उनका तो स्वाद होता है हम स्वाद को जीते हैं वाह मतलब करियर आपके कला की सिर्फ एक देन है हाँ वो एक देन है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर करियर है ये तो, तो इस चार सौ गुनी कम सुविधाओं में इससे सौ गुना बड़ा करियर तो चार्ली चैपलिन साहब दे चुके हैं तो मुझे मैं करियर को किसी तराजू पे नहीं तोलता लेकिन कोशिश ये रहती है कि क्या क्या करने का सौभाग्य मिला वो हकीकत है और क्या क्या कर सकता हूँ वो अपॉर्चुनिटी है अवसर है सपना है ओके हा फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा प्रेजेंट के बारे में बात करना हैं मतलब है। तो मैं ये मानता हूँ बहुत लंबी होती है पॉडकास्ट की भी ठीक ठाक होती है जैसे कि आज भी लोग रॉन्डे अग्रवाल शो देखते हैं आपकी कर, अदालत देखते हैं तो उसकी भी शेल्फ लाइफ है पर फिक्शनल पीस की शेल्फ लाइफ शायद ज्यादा होती है Uh, क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपने जितने भी कॉमेडिक सीन्स किए जी वो आज 2023 में मीम कल्चर का एक पार्ट बन जाएंगे जी मतलब आप मीम कल्चर फॉलो करते हो नहीं मीम तो कोई नहीं समझ रहा था ना कि जो जिस जिस समय हम लोग अभिनय कर रहे थे उस समय जो 2000 से 2010 का जो फिल्मों का मतलब जब में 90 परसेंट फिल्म फिल्म जो थी जी वो कॉमिक इंटरल्यूड्स को ध्यान में रख के बनाई जा रही थी और जिसमें सपोर्टिंग लीड और फर्स्ट लीड सेकेंड लीड थर्ड लीड सब कॉमेडी के हिस्सा बनते थे सिचुएशन के हिस्सा कॉमेडी ऑफ एरर का दौर रहा और किसी को ये नहीं पता था कि अभी थोड़े दिन में फेसबुक आ जाएगी फिर मतलब इंस्टाग्राम आ जाएगा फिर ये सोशल मीडिया फिर धीरे धीरे कोरोना कोरोना के बाद में पूरा जो वर्ल्ड है वो मशीन के पीछे चलने लगेगा तो उसमें उस सोशल मीडिया को एक अच्छा स्टैब्लिशमेंट देने के लिए अगर दस पंद्रह फेसेस यूज़ किए गए हैं <laughs> तो उसमें एक फेस मेरा भी बहुत अलग अलग तरीके से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने थॉट्स के अनुसार उसको यूज़ किया है और सोशल मीडिया को उससे फायदा मिला है मैं बधाई देता हूँ <laughs> <laughs> खुद को <laughs> और जो सबको और लोगों को मनोरंजन मिला आँखों को अंजन मिला अच्छा देखने को मिला बस इससे ज़्यादा सबको बस खुशी मिलनी चाहिए जो चीज़ें दिल में फील हो रही है ना हमें सोशल मीडिया यूज़र्स को वो अक्सर आपके एक्सप्रेशन की वजह से और आपके सीन्स की वजह से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं <laughs> मतलब वही तो मीम्स होते हैं और इसलिए पता तीन लोगों के मीम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं आज भी आप अक्षय कुमार सर और परेश रावल सर आप तीनों के मीनस बहुत ज्यादा चलते हैं नहीं मेहनत की है सबने और आज भी और इन जो आपने नाम लिए हैं एक बहुत बड़ी जर्नी रही है बॉलीवुड में थिएटर में चाहे परेश भाई हो चाहे अक्षय भाई हो मतलब एक कितना बड़ा तीन तीन दशक इन्होंने पूरी मेहनत करते हुए अपने शरीर पे अपने फोकस पे अपने काम पे और आज अगर लोगों को क्योंकि सिनेमा हम लोग अभिनय करते हैं हम हमारा मोटिवेशन एक है कि लोगों को अच्छा लगे लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और अगर उस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में जितने फेसेस काम आ रहे हैं सबको सैल्यूट करता हूँ बिल्कुल, होती के दौरान। थी। बिल्कुल होती मतलब जो आपके बॉडी मूवमेंट्स होते थे जो आपके एक्सप्रेशन होते थे ये प्रिया दर्शन सर और डेविड धवन सर आपको समझाते थे आपको क्या कहा जाता था किसी के पहले नहीं देखिए हर डायरेक्टर का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है और उसकी सिचुएशन होती है जिसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है जी और फिर उस लैंग्वेज के बीच में जब बॉडीयां घुसती हैं तो बॉडी लैंग्वेज बनती है सबकी और मैच कैसा चल रहा है कॉमेडी ऑफ़ एरर चल रहा है रियलिस्टिक कॉमेडी चल रही है या ब्लैक कॉमेडी चल रही है या ग्रे कॉमेडी चल रही है या या स्लैपस्टिक कॉमेडी चल रही है या मिक्सिंग चल रहा है फिर उसके लिए तो फिर उतना पढ़ा लिखा भी होना चाहिए ताकि फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज फिर एनिमल इंस्टिक्टिव क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं जिसमें आपको गंभीर बात करनी है क्योंकि हम लोग रियल जी रहे हैं रियल तो जी नहीं रहे हैं क्योंकि देखिए रियल रियल को आप जी नहीं सकते सिनेमा पे जी रियल में तो चाकू पड़ता है तो आदमी करहा जो करा उसमें कोई रिटेक नहीं होता है और जब रील अपन कर रहे होते हैं तो फिर अपने हाथ में खिलौना हो जो भी होता है चाहे चाकू हो चाहे बंदूक हो खिलौना होता है कट होता है तो एक दूसरे को जो चाहे वो मार रहा हो चाहे मार खा रहा हो एक दूसरे को गले लगाते हैं लेकिन रियल में तो एक दूसरे को मार के कहीं भागने की कोशिश खोज रहे होते हैं मिलते नहीं है तो रियल को हम जी नहीं सकते रियल इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी तो जो उस इल्यूजन में जितना भी एक्सपेरिमेंट हो पाए जितना भी क्रिएटिव किस सिचुएशन और मजबूत हो जाए कोई जैसे मकान बनाते वक्त गारा मिट्टी और सरिया सीमेंट ताकि हर मज कोना मजबूत रहे तो आई थिंक डायरेक्टर के इंटरप्रटेशन और राइटर के लिखे द्वारा सीन में जो बॉडीज़ हम लोग लगती हैं जिनमें आँखें होती हैं वो कोना भरने की कोशिश करते हैं इमोशन की और उसको चाहे आप बोलें कि एक्सपेरिमेंट किया या चाहे बोलें प्रैक्टिकल किया या बोले इम्प्रोवाइजेशन बोले या फिर एक दूसरे का रिएक्शन एक्शन बोले उसको कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन उतना जितना सामने वाला सावधान है उतना ही सावधान जागरूक आपको भी रहना है। सबसे बढ़िया केमिस्ट्री आपकी किसके साथ सबके साथ आप <laughs> आपके साथ भी सबसे अच्छी बात पर कॉमेडी सीन्स में आई थिंक सबके साथ सब चीज देखिए कॉमेडी सीन्स में किसी सामने वाले के साथ में कितनी आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो रही है ये थोड़ा धोखा है हर किसी आपकी अपने साथ कितनी केमिस्ट्री अच्छी है आई थिंक वो आपका हुनर है जी, ये घोड़ा राशि जो होता है वो कभी ये नहीं तय करता कि सवार कौन सा बैठा है लेकिन सवार जैसे ही बैठा हो घोड़े को समझ में आ जाता है कितना पढ़ा लिखा है तो मुझे लगता है कि बियर हम एज एन एक्टर जो थिएटर फिल्म या टेलीविजन या जो भी टफॉर्म मिला है और उसमें हर आदमी को राशि घोड़ा समझना चाहिए हम हैं आप हैं सब राशि घोड़े उससे नीचे मांगो भी क्या और उसमें टाइमिंग का खेल होता है तो सबसे पहले आपके अंदर की केमिस्ट्री टाइमिंग भरी हो तो सामने जो भी होगा वो फिर सुर में ही होगा मतलब जो वो चीज़ इसको शब्द के माध्यम से पर थोड़ा सा फ़र्क है बस बता पाना बड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश की है कि इसको सरलता से समझाऊं तो सबसे पहले अगर रणवीर की टाइमिंग खुद के साथ में नहीं है ठीक तो यहाँ बैठ ही नहीं सकते जब आपकी टाइमिंग आपके साथ बनी हुई है तो सामने राजपाल हो या कोई भी बैठा होगा वो टाइम अगर अगर उसकी बेताला टाइमिंग होगी तो भी धीरे धीरे टाइमिंग में आ जाएगा वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी टाइमिंग के साथ रोज कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूँ <laughs> ताकि जो है वो ताकि रिदम में रहूं, सुर में सुर ताल में वाह और फिर फिर थोड़ा बहुत हवा के ऊपर की बोलते हैं ना कि शब्द है ना कभी कभी उनको बांधने के बजाय उनके पीछे भी दौड़ने की जरूरत होती है तो हो सकता है उसमें जो स्पीड बनती है शब्दों को पकड़ने में वो भी एक इमोशन और टाइमिंग का हिस्सा होती है आपको खुद हंसी नहीं आती थी सीन्स के दौरान नहीं आती है बिल्कुल आती है अगर मैं मानता हूँ कि अगर रिकॉर्डिंग करने के वक्त अगर आपको खुद हंसी आ रही है मतलब सच में कॉमेडी निकल के आ रही है नहीं ऐसा नहीं है अगर आपको अपना सीन करते हुए हंसी का माहौल नहीं और हंसी आ गई और हंसी लोगों को आनी है और आपको हंसी आ गई जी तो आप फिर कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो फिर आप कैरी कैचर कर रहे हो कॉमेडी नहीं कर सकते कॉमेडी जब एक्टर को पता ना हो कि ये कॉमेडी है या ट्रेजिडी है जी और वो अपने कैरेक्टर को जी रहा है और डायरेक्टर की सिचुएशन बताएगी कि ना यहाँ पे कॉमेडी आनी चाहिए एक बंदा जा रहा है लाठी लेकेब केले के, 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 के सामने केले किसी ने केला फेंक दिया छिलका और अगर उसको पता है कि केले पे मेरा पैर पड़ना है मैं ऐसे फिसलूंगा कॉमेडी तो नहीं आएगी रॉन्ग टाइमिंग से कहीं से धोखे से किसी ने केला फेंक दिया अचानक आदमी ऐसे देख रहा था पैर पकड़ा पैर फिसल गया उस समय अगर अभिनेता को हंसी आ गई क्योंकि वो पैर अगर अगर थोड़ा सा भी सावधान नहीं हो पाया तो पैर पैर टूट जाएगा नहीं। पैर नहीं टूटा और गिरा पैर टूटने जैसा और फिर खड़ा हो गया किसी ने देखा तो नहीं तब हंसी हाँ आती है वहां पे अगर अभिनेता को हंसी आ गई तो उसको कॉमेडी नहीं कहते हैं उसकी एक छोटी बहन है या उसको उसकी एक कजिन है कैरी केचर और कैरी केचर इस कॉमेडी कभी भी सिनेमा में चलती नहीं है स्ट्रीट पे चलती है तो इसलिए बोलते हैं कि वो भी एक विधा है और बड़ी प्यारी विधा है जिसमें हजारों लड़के लड़कियों को जॉब मिला है आज नहीं हजारों साल से लेकिन हर फ्रेम की अपनी एक केमिस्ट्री है और क्राफ्ट है और उस क्राफ्ट क्राफ्ट को जीने के लिए पहले बीच कहानी के रूप में सब्जेक्ट के रूप में फिर उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज़ को सॉल्व करने के रूप में और धीरे 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 फिर डायरेक्टर उसको अपने हिसाब से दो घंटे की फिल्म पहले अपने दिमाग में देखता है कि मेरा क्या फुल फिल्म का कलर रहेगा क्या मेरे स्पीड रहेगी क्या इमोशन रहेगा क्या संगीत रहेगा क्या गीत रहेगा और क्या बैकग्राउंड रहेगी उसके बाद में एक पैकेज रूपी प्रोजेक्ट रूपी प्रोडक्ट निकल के जनता के सामने ताली में परोसा जाएगा सेवन टी एमएम के रूप में और उसके बाद ताली मिलती है या गाली मिलती है उसका डर रहेगा <laughs> आप खुद की फिल्में कभी देखते हो उस, उस फेज के उस फेज के जस्ट दो दो दशक की तो बात है पिछले बीस साल का ही बीस साल में तीन चेंजेस आए हैं और उसमें जो नए बच्चे हैं वो भी जितने नए हैं हम पुराने बच्चे हैं उतने हम <laughs> लोग भी नए हैं ये दो हजार के बाद में आज दो हजार तेईस है आई थिंक बीस पच्चीस बीस बाईस साल के खेल में सब जितने भी खेल हुए हैं और डिजिटल वो हुए हैं मेरे नजरिए से वो वाला फेस कॉमेडी का एक गोल्डन फेस था भारत में शायद वो गोल्डन फेस लौट कर आएगा ये मैं भी ये भी मैं मानता हूँ मीम कल्चर की वजह से नहीं उससे पहले आप एक बहुत अच्छा फेज था जब महमूद जी और दस एक्टरों की टोली हुआ करती थी ओम प्रकाश जी, जी। और उसमें दिलीप साहब ने भी गेस्ट अपीरियंस किया सुनील दत्त साहब और महमूद भाईजान और मतलब एक नहीं मुखरी साहब और कैस्टो मुखर्जी साहब कन्हैया लाल जी और संजीव कुमार साहब और मतलब एक से एक बड़ी फिल्में दस बारह पंद्रह फिल्में बनी थी प्यार किए जा चलती का नाम गाड़ी पड़ोसन ये वो मतलब बहुत अच्छा दौर और जगदीप साहब से लेके जॉनी भाई तक तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि देश काल के वातावरण क्योंकि आज से कॉमेडी नहीं जन्म ली है जब से ये संसार बना है तब से हर विचार में हर पशु में हर पक्षी में संसार की हर मतलब बोलते हैं ना कि समुन्दर भी खुश हो जाए तो उसकी भी लहरें बड़ी प्यार से मुस्कुराते हुए बहती हैं तो और जब मोर भी खुश हो जाए तो बोलते हैं कि वो अपनी कॉमेडी अपने रोमांस को किस तरीके से पंखों में नाच के जो है वो प्रस्तुत करता है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग मेरे एज के वो ज्यादातर इस फेज के फिल्मों को जानते हैं क्योंकि बचपन में वो वाली फिल्में देखी हैं आपकी फिल्में देखी हैं जी और आ, उनकी कॉमेडी सस्टेन करती करती सस्टेन करते थी, थी।, है। थी वो दस बारह पंद्रह फिल्म कुछ ऐसी बनी जिनका लकीली में बहुत मुझे महत्वपूर्ण हिस्सा होने का सौभाग्य मिला किसी में टॉप थ्री एक्टर्स में किसी टॉप फाइव एक्टर्स में किसी एक्टर्स में टॉप सिक्स एक्टर्स में सेवन एक्टर्स में लेकिन वो टॉप इलेवन टीमे की जो ऐसी कुछ फिल्में बनी ना कि मुझे भी सीखने का बहुत मौका मिला कि जब बोलते हैं मैच जब चलता है एंटरटेनमेंट की फील्ड में तो किस तरीके का कितना रिलैक्स होके कैच लेना पड़ता है और कितना कैच देना पड़ता है वो वो सही आप कह रहे हो कि वो जितनी उन फिल्मों को देख के आपको खुशी है वो फिल्में देख के मुझे भी बहुत कि इतने सारे एक्टरों के जमा बाड़े के साथ में एक 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 कैरेक्टर हाईलाइट होना ये आई थिंक इन सब डायरेक्टर जिसमें प्रदर्शन जी और डेविड धवन साहब और मतलब बहुत सारे राजकुमार हिरानी तक मतलब जितने अलग अलग डायरेक्टर्स ने मतलब अपने तरीके से बड़े झंडे गाड़े हैं और सबको क्रिएटिविटी के लिए सौ में एक सौ दस मार्क कॉमेडी फिल्म्स बन रही है आज का ऐसा नहीं है कि कॉमेडी फिल्में नहीं बन रही हैं हल्के हल्के से मीनिंग बदलते जा रहे हैं फिर मतलब जैसे उस समय जो है कॉमेडी ऑफ एयर बहुत ज़्यादा जी तो अभी जो है वो कॉमेडी ऑफ एयर जो होता है वो एक्टर्स के बीच में क्रिएट होता है अब एक्टर्स के बीच कि मैंने ये बोला तुमने ये बोला उसने किसी दूसरे कुछ बोला उसने कुछ समझा उसने दूसरे को बोला अभी जो फिल्में बन रही वो सिचुएशन की कैरेक्टर सच बोल रहा है लेकिन सिचुएशन जो है कंफ्यूज हो रही है तो इसको सिचुएशनल कॉमेडी चल रही है अभी तो पहले स्लैपस्टिक एंड कॉमेडी चल रहा था पिछले दस साल तो अभी जो है वो सिचुएशनल कॉमेडी चल रही है जैसे जी टू। हा, हा, मतलब सिचुएशनल है सिचुएशन है जी अभी एक फिल्म कटहल रिलीज हुई थी सिचुएशन है वो घटना है एक ए, इस तरीके की जो सिचुएशन बेस की एक, एक, एक लोकेशन गए वहाँ बोले क्या सिचुएशन है बोले ये घटना हो गई ठीक है उसके आसपास को हम चल रही है तो आप समझ गए हम जो जी, कहना जी, जी। चाहते हैं पर पता है मेरे एज के लोगों को एक और प्रियादर्शन फिल्म देखनी है सर बिल्कुल हमें भी देखना <laughs> और एक मैं बहुत खुश हो गया था प्रियन जी ने बोला कि जो मेरी एक फिल्म जरूर पार्ट टू करने की इच्छा है ढोल टू क्योंकि वो प्रियन जी ने वो ढोल टू की एक दिन कहानी सुना के मुझे लालच में डाल दिया कि जो पार्ट वन है जो देखी उसका इतना प्यार मिला देश दुनिया में पार्ट टू इसकी एक्सटेंशन में इससे भी दस गुना बेहतरीन स्टोरी है hmm. और मैं प्रियन जी से जब भी बोलता हूँ शहर ढोल टू <laughs> <ना>। <laughs> तो अभी वो बिजी थे काफी 2024 तक बहुत उनके कमिटमेंट थे लेकिन प्रियन जी कभी बूढ़े नहीं होंगे रामू जी कभी बूढ़े नहीं होंगे डेविड जी कभी बूढ़े नहीं होंगे राजकुमारी हिरानी कभी बूढ़े जो लोग लोगों को हसाना जानते हैं लोगों और बहुत सारे डायरेक्टर अपने नए टैलेंट के जिनमें मतलब बहुत ये बूढ़े ना ना बूढ़े होने वाले लोग हैं और अनीस बाजमी साहब हों कबीर खान साहब हो जो नए अलग अलग जिनके जो जिनको मैंने देखा है या जिनके काम अ, ऑडियंस में बैठ के देखा या पर्दे में जिनके साथ करके देखा कि जिसके साथ काम किया या नहीं किया पचासों ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको प्रणाम करता हूं बहुत सा, और साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के मतलब ये कह सकते हैं कि मैं एक दिन कि सिनेमा को कैसे अपन डिवाइड करें कि वो यहां की फिल्म है वो यहाँ की फिल्म है जो बीच में काफी कि वो साउथ इंडियन का सिनेमा है वो नॉर्थ इंडियन का सिनेमा है या बॉलीवुड का सिनेमा है। तो मैं बैठा बैठा कि कि मेरा क्या अनुभव है कि मैं इस चीज को कैसे लेता हूं तो मुझे लगता है कि जहां तक कुछ खोजे गए दो कंट्री हैं, जिसमें लगभग सत्तर बहत्तर लैंग्वेज है, कुछ दस पंद्रह बहुत स्टेब्लिश हैं कुछ ऐसी तो उसमें तीन बहने हैं एक बड़ी बहन हॉलीवुड और एक मंझली बहन बॉलीवुड और रीजनल्स बुड और इन तीनों बहने में सातों समंदर में ये कला के तीन रूप हैं कभी कभी हॉलीवुड के रूप में कभी कभी बॉलीवुड के रूप में और कभी कभी रीजनल बुड के रूप में लेकिन उससे चाहे कहीं तीनों अपनी बोलते हैं अगर बॉलीवुड अपनी माँ है तो बोलते हैं बड़ी मौसी हॉलीवुड है और छोटी मौसियाँ अपनी ये सब हैं और जब जब कहीं अच्छी फिल्म बनती है तो उसमें कला का निर्माण अच्छा होता है तो ताली इस सातों समंदर के किसी भी कोने के किसी भी धर्म किसी जाति ताली हर किचन से मिलती है जब जब कला अच्छी मिलती है और मैं भी वही थ्योरी की मैं फिल्म सिनेमा कला को हवा और हवा सातों समंदर में रहती है और वहां से कोई क्रिएटिव काम हो चाहे रणवीर के रूप में चाहे राजपाल के रूप में और चाहे किसी के रूप में उसको सैल्यूट करते हुए आपकी बात जॉनी लीवर से हुई करियर एडवाइस को लेकर जॉनी लीवर साहब जो है फिल्मों की सेवा तो उन्होंने इतने मैच खेले हैं कि पूरी दुनिया जानती जितना भी बोलो तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है लेकिन स्टैंड विधा जो हजारों साल पुरानी है उसको एक फैशन बना दिया और जब वो आए फिर उन्होंने स्टैंड बहुत सारे शोज किए स्टैंड और धीरे धीरे बोलते हैं ना कि आज मतलब हजारों लड़के लड़कियां उसकी रोजी रोटी का साधन बना पाए अपना अपना तो आई थिंक जॉनी भाई एक ब्लेस्ड हैं और जॉनी भाई अभी जवान हैं और जॉनी भाई से जब जब मिलता हूँ या जब जब उनके साथ फिल्म करता हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग अभी कल से क्योंकि डेली जब आदमी बोलते हैं समय के अनुसार अपने आप को चेंज करने का जब सोच ले मैं आपसे बात भी करूंगा कि बहुत अच्छी बात कि हमने एक कार्यक्रम किया है टिमफियो और तो ये जॉनी भाई जो जैसे लोग हैं ये अब बने ने, बनने वाले नहीं है ये हो चुके और ये जब तक हैं या जब तक सिनेमा है तब तक ये ऐसे ही रहने हैं जॉनी <laughs> है। भाई दूसरा नहीं हो सकता राजपाल यादव भी अरे जो मैंने आपको पहले पूछा ना कि आपकी केमिस्ट्री किसके साथ सबसे अच्छी थी और फिर आपने कहा कि केमिस्ट्री सबके साथ अच्छी होनी चाहिए पर एज एन ऑडियंस जब आप और अक्षय कुमार एक स्क्रीन में होते हैं बहुत मैजिक होता है नहीं नहीं बहुत प्यार करते हैं अक्षय भाई और हम हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ी मेहनत की है उन्होंने मतलब अपने आप को सजाने के लिए जी। और बड़े और कमाल के मतलब लेबोरियस एक नहीं कई सारी फिल्में हमने देखी टाइमिंग और उनका डिसिप्लिन जो हमेशा जब भी हम मुगदल वो जो पहलवानों का हाँ जो पहला बचपन से देखा जी मैं जिम ज्यादा नहीं तो मुझे मुगदल का शौक मतलब था बचपन से लेकिन उसको कत कंफर्म करने का आज मेरे घर पे तीन मुगदल रखे हैं तो उसके कारण अक्षय कुमार है <laughs> क्योंकि वो एक्सरसाइज में बड़ा अच्छा कि वो बोलते हैं ना कि सर से लेके और पैर तक मतलब वो काफ़ी मजबूती देता है वो बहुत सही प्रैक्टिस है मुगदल के साथ और वो अक्षय भाई बेस्ट जानता है प्रिया दर्शन की फिल्में देखनी है अक्षय कुमार सर की परफॉर्मेंसेस देखनी है और वो केमिस्ट्री मुझे मुझे ही नहीं ये बहुत सारे लोगों को देखनी है आ, वो कैसे होते थे कॉमेडी के सेट्स पर एस... अभी, अभी आपको वेलकम टू द जंगल में और दो तीन फिल्में हम अभी फिर फेरी इनमें आप सब में आप दोबारा फिर देख पाएंगे हम सबको <laughs> मैं डेफिनेटली मैं इनडायरेक्टली आपसे थोड़ी सी मेंटरिंग ले रहा हूँ आर्टिस्टिक मेंटरिंग आ, पर आपके दिल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ जी इतनी कॉमेडी निकल के कैसे आती है तो आ, जैसे ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप स्टेज के उस पार चले जाते हो मुझे एक छोटी सी वैसी एक्सरसाइज कर रही है आपकी इजाजत के साथ जी बिल्कुल बोलिए तो ये हमारी एक स्क्रीन है जी यहाँ मैं आपके थोड़े से कुछ मीम्स प्ले करूंगा जी और सीन्स प्ले करूंगा मुझे पता भी नहीं हम क्या बातें करेंगे बट बस आपके साथ देखने हो सीन्स प्लीज दिखाइए कोई okay. जब लोगों को दुख होता ना आजकल तब राजपाल यादव मीम टाइप करते हैं सर्च बार पे फिर अपने दुख को भूल जाते हैं आप, आपने कभी ये किया ये जिया तो हम नहीं है <laughs> नहीं पर आप ऐसे करते हो कि राजपाल यादव मीम या राजपाल यादव कॉमेडी सीन्स नहीं ऐसे सब दोस्त वगैरह और सब आपके सामने वो वो दिखा देते हैं आपको शर्म फील होती है ये सब करके क्योंकि अक्सर अगर कोई मुझे मेरे खुद के वीडियोस दिखा तो मुझे बहुत शर्म फील होती है तो मैं बस आपके आर्टिस्टिक माइंड को जानने की नहीं मुझे वो याद आता है कि ये जो जो आपने ये दिखाया ना मुझे <laughs> अगर आप देखो कि पहले तो शौक और फिर क्या अच्छा हुआ कि मतलब ये तो बोल रहा है नहीं ये बोल क्यों रहा है ये तो गूंगा था ना और फिर इसने मुझे मूर्ख बनाया और फिर वो थी मैं हंसू की रो <laughs> ये, ये जो इमोशन है ना जी इसका इतना लोगों ने यूज किया है लेकिन मेरे जीवन का ये ऐसा आ, ये स्पेशली इतनी सारी फिल्में जितनी भी हो गई डेढ़ सौ हो गई दो सौ हो गई जो भी लेकिन ये अकेला एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें मुझसे प्रियन जी ने कहा था कि जब पहली बार ये पता लगे कि शाहिद कुछ बोले और उस शाहिद ने कुछ बोला है तो ना ये बेचारा फिशरमैन है तो ये इतना बड़ा तो समझदार है नहीं तो ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि शौक लगा धोखे से हंसी आ गई हंसी लगा गलत है गुस्सा करूं फिर कंफ्यूज हो गया कि इसमें गुस्सा करूं या या हंसूँ हाँ। तो चार एक्सप्रेशन वन टू थ्री फोर हाँ <laughs> तो वो मैंने अकेले में ये एक्सप्रेशन कई बार किया लेकिन इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाया क्योंकि वो वन टू थ्री फोर तो उसमें पहले में शौक और फिर ये लगे कि इसको याद नहीं रहा और इसको हंसी आ गई या इसको नहीं नहीं हंसी ठीक नहीं है इमोशन कुछ और है तो जो खुद इमोशन देने में कंफ्यूज हो जाए वो चार एक्सप्रेशन चाहिए और वो खैर पहले टेक में हो गए थे और टच बोर्ड फिर मैंने अकेले में कई बार ये करने कोशिश की लेकिन मुझसे हुए नहीं फिर बाद में तो फिर टेक कैसे हुआ टेक तो हो गया था क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी थी वही तैयारी कि कि आप देखो इसमें चार इमोशन हैं ठीक और शो है नेक्स्ट वन अभी ये क्या हो रहा है यहाँ मुझे सब आता है मैं, मैं एक्सपर्ट हूं मैं एक्सपर्ट हूं <laughs> ये बहुत बड़ा मीम बन चुका है हां <laughs> Okay. अच्छा ये उस समय कर गया था लेकिन जब हमने मीम में कई बार देखा आ? तो मुझे लगा कि यार <laughs> ये उस समय बोलते ना कि शूटिंग के दौरान कुछ एक्सप्रेशन है ऐसा जो मुझे भी अच्छा लगा ठीक है नेक्स्ट मुझे सब आता है मैं एक्सपर्ट हूँ मैं इसे सब सिखा दूंगा <laughs> <laughs> आपके दिमाग में पहल... क्या चल रहा था, था सर ये ए... बॉडी लैंग्वेज जेनरेट करने के लिए हाँ की लड़की अगर पहलवान है तो ये उठा के पटकेगी भी तो कोई समस्या नहीं है <laughs> <laughs> बस मतलब <कीप> <laughs> 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 कैसा फील होता है सब देख ये ये कैरेक्टर ऐसा था ये कैरेक्टर ऐसा था कि जो मतलब प्रियन जी जाने उन्होंने कैसे की लेकिन प्रियन जी ने ये कैरेक्टर जिस दिन दिया था बोले राजपाल ये कैरेक्टर आपको बहुत प्यार मिलेगा देश दुनिया से बात है और बोले कि हर सीन एक क्राफ्ट है और कहानी का है तो आई थिंक वो धीरे से जो प्रियन जी ने कैरी करवाया वो आपके और... लिए कैरेक्टर्स लिखता था बोले उनकी फिल्मों का जो एंटरटेनिंग फिल्में उन्होंने बनाई हैं तो वो उनके परेश जी हों या राजपाल हों या अक्षय जी हों या सुनील अन्ना हों या मनोज जोशी हों या और भी बहुत सारे जितने भी एक्टर असरानी जी से लेके तो वो प्रॉपर उनके दिमाग में पूरा क्राफ्ट हर कैरेक्टर को लेके होता था सब एक्टर को ले और इसमें प्रियन जी का ही ज़्यादा धमाल है ये मतलब पर पर मतलब आप। आपको ध्यान में रख कर कैरेक्टर स्क्रिप्ट करते थे आई एम श्योर उनके एक सेट ऑफ एक्टर्स होते थे आई थिंक वो पहले कहानी एंटरटेनिंग चुनते थे चाहे माला माल बिकली हो चाहे ढोल हो चाहे वो चुप चुप के हो चाहे हंगामा हो जी और उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब फिल्म के किस किस कोने पे कौन सा एक्टर कहाँ फिट होता है तो कभी किसी फिल्म में किसी बड़े एक्टर के छः सीन और किसी फिल्म में छत्तीस सीन तो मतलब लेकिन वो कहानी के किस कोने में फिट है ये ये प्रियन जी हमेशा ध्यान रखते थे ये ये केमिस्ट्री सर <laughs> आप दोनों के बीच एनर्जी क्या थी ये हमारा एक्चुअली इस तरीके का ही रिश्ता है मतलब एक दूसरे को क्योंकि बहुत प्यारी रिलेशनशिप है इस तरीके क्योंकि कुछ एक दूसरे से एफर्टलेस जो जो भी सीन जीते हैं और जी। जितने जिए जी तो हमेशा एफर्टलेस कोई बीच में ये भूल जाते हैं दो एक्टर काम कर रहे हैं हमेशा लगा कि दो दोस्त दोस्त या दो मतलब कला के स्टूडेंट्स और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वो कई सारी फिल्मों अलग मतलब अलग वो केमिस्ट्री निकल के भी आई है हमारी उन्हें कभी दुखी देखा आपने मैंने अक्षय कुमार को कभी दुखी नहीं देखा मतलब शायद में दुख है ही नहीं ऐसा मुझे लगता नहीं सी गंभीर रहते हैं गंभीर तो देखा और हंसी मजाक भी करते हुए देखा लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर दुखी लगने से दुखी दुख निकलना नहीं है और हंसी हंसने से जो है वो फ़ायदा ही फायदा है तो मैंने दुखी उखी तो नहीं देखा क्योंकि मैं खुद दुखी दिखाने की कोशिश से बचता हूँ और सेट पे क्या दुख जो कर्म है उसको बेहतरीन तरीके से जिए हंसते खेलते हुए वो ज़्यादा है <laughs> <laughs> वो सच में मारते थे <laughs> नहीं नहीं नहीं, नहीं मारते नहीं थे सेफेस्ट मतलब आज तक जितनी मैंने एक्शन की है आ, मतलब ही इज द सेफेस्ट गाय मतलब कभी भी आ, एक, एक अक्षय भाई सुनील भाई ये सब लोग जिन लोगों लो से काम किया तो हमेशा एक्शन में आ, कभी मतलब हमेशा चोट से हमेशा बचे और हमेशा ज्यादातर सब कॉमी को कौ एक्शन ही फिल्में की हैं जी। देखा। सब सब कहीं कोई लटका है कहीं कोई लेकिन। एक टच मेरी आपकी फेवरेट और ये शायद मेरी लास्ट फिल्म थी जो मैंने मेरे दादाजी के साथ थिएटर में उन्हें ये वाली सीन बहुत अच्छी लगी मतलब जब भी टीवी पर भी चलती थी वी यूज टू वेट फॉर योर अपीयरेंस ये नट्टू भाई है <laughs> 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 याना जैसे मतलब आपकी क्यूटनेस फैल जाती है स्क्रीन पर क्यूटनेस और ह्यूमिलिटी इसे लोग आपको चाहते थे इसमें इस एक सीन आपने इसमें एक सीन है जी अह कि ये विपुल भाई का एयरपोर्ट एयरपोर्ट हाँ एक वक्त एयरपोर्ट हां वो वो सीन जब मैंने देखा तो वो एक ऐसी सिचुएशन की मुझे भी जब जब देखा तो बहुत हाँ, हाँ, ही, ही। और, ऐसे फिल्म क्यों नहीं बनती सर हाँ, ये पता ही नहीं कैसे अच्छा ये भूल बुले भूल बुलेगा ये याद है क्या हो रहा था आपके दिमाग में भूल बुलेगा के वक्त नहीं ये सब कैरेक्टर की यादें ताजा हो जाती हैं जो इस प्रोसेस जब कर रहे थे तो आज इतने साल बाद में ये कैरेक्टर अब बच्चे जो आज के हैं और सबकी सबको जितने उस समय सुपरहिट थे जब रिलीज हुए थे ये कैरेक्टर और आज भी ये मीम की वजह से और दस गुना ज़्यादा ये पॉपुलर हो गए तो आई थिंक इससे ज़्यादा एक एक्टर एक का क्या सौभाग्य होता है आई फील कि आपका कर्तव्य बदल चुका है आज कर्तव्य बदल चुका है बहुत सही बात बोली रणबीर और आपने। ये, ये सब सीन्स देखते वक्त आ, आपने कहा कि जो आपके दिल में था पहले एक्टिंग की शुरुआत से पहले वो सब हो गया आप लोगों के दिलों में बस चुके हो ये मैं मानता हूं आपके कॉमेडी के थ्रू बट 2023 में कुछ बदला है नहीं 2023 में बदला हंड्रेड परसेंट है और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ना बढ़ना कढ़ना कि आपने मैंने रणबीर की थेरी पढ़ी तो रणवीर का वो एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा लेकिन मैं जब बैठा हूं रणवीर अपने तरीके से बैठे मैं अपने तरीके से बैठा हूं लेकिन दोनों एक दूसरे को अभी सिचुएशन है कि हमें अपन कन्वर्सेशन कर रहा है लेकिन इंटरनल तो दोनों के अलग अलग है ना तो कि मुझे अभिनय 20 साल मैंने खूब लोगों को हंसाया पिछले 20-25 साल से खूब लोगों ने मतलब बहुत सारी सीरियस परफॉर्मेंस देखी बहुत सारी नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी और समय पास होने का सौभाग्य मिला किताबें इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण ट्रेनिंग उसके लिए स्पेशल एक टीम ने छ महीने काम किया प्रॉपर फिर प्रॉपर उसकी एक बढ़िया मतलब प्लेटफॉर्म से उसकी शूटिंग करवाई और आज जो आप बच्चों की जितनी चीजों के बीच में एक एजुकेशनल जिसमें हमने एक कार्यक्रम बनाया जिसका मैं हिस्सा हूं एक एंकर के रूप में टिम्फियो मैं आपको बिलीव करवाता हूं रणबीर भाई छोटे भाई हो आप कि डेढ़ घंटे मेरे लिए आप मत देना आप डेढ़ घंटे अपने आप को देना और फिर वो डेढ़ घंटे के बाद में खुद आप अपने विश्लेषण में चले जाओगे क्योंकि अनुभव जो है ना प्रैक्टिकल प्रशिक्षण ये क्यों मतलब हमने टिम्फियो बनाया क्योंकि मुझे मालूम है कि इस देश दुनिया में टू टीयर से लेके थ्री टीयर से लेके करोड़ों बच्चे बच्चियां हैं पर ये क्या है कोर्स है? ये डेढ़ घंटे का एक कार्यक्रम है ओके okay. जिसका नाम है टिम्फियो जी ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरी वन प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है अब आप बोलेंगे कि ये किसके लिए है किस लिए है तो मैं मैंने ये प्रोग्राम इसलिए किया है कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं और स्पेशली टू टीयर थ्री टीयर के और शहर के भी बच्चे उन उनको एक प्रोग्राम जो है सहायता कर सके सफलता हर आदमी पाना चाहता है आज की डेट में लेकिन पाने का समर्पण बहुत कम लोगों में होता है टीचर से स्टूडेंट बन, बना देगा आपको ये कार्यक्रम और प्रैक्टिकल है इसलिए प्लीज प्लीज वॉच टिम्फ्यो ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है आज की दुनिया में आम, मुझे आपसे एक चीज के बारे में बात करनी है पर ये मैं एक बहुत ह्यूमन पर्सपेक्टिव से पूछ रहा आपको तो ये बिल्कुल एक जर्नलिस्टिक कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरे एक दोस्त है मुनावर फारूकी शो पर आए थे कमेडियन है स्टैंड अपेडियन कम, उन्होंने जेल में कुछ वक्त गुजारा था हाँ. तो उन्होंने जेल के बारे में बहुत कुछ कहा पॉडकास्ट हाँ. आपने भी वक्त गुजारा है वहाँ वो सच में बहुत ज्यादा नेगेटिव जगह होती है जगह कैसी है वो अब देखिए साहब ये चीज ऐसी है कि इसमें दो लोगों की लेने की कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि आप आप जो हैं किस सिचुएशन में किस लोकेशन पे कहाँ पे हैं मतलब जिंदगी में जिंदगी में किसी चौराहे पे हैं किसी जंगल में हैं किसी मंगल पे हैं या किसी जेल में है या कहीं बेल पे है और उसमें आप जीने के लिए अपने आप को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करते हैं तो आई थिंक फिर वही आपकी वो सबका अपना अपना है मुझे अब वो सब कारणों के ऊपर डिस्कशन करना अभी इसलिए थोड़ा जल्दबाजी समझता हूं लेकिन मुझे उस वहां पे मैं वर्कशॉप की थी और उसमें जो लोग नए लड़के मिलते थे और जिनसे हमने कभी नहीं पूछा कि तुम कैसे यहाँ हो क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम कि आप लेकिन हम यहाँ पे अगर हैं तो इस पल को हम बेस्ट कैसे जी लें तो उसके लिए हमने प्रॉपर थिएटर वर्कशॉप और वो जो मिलते थे जो कला कल्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते थे या जिन्होंने किया नहीं तो उनके साथ हम हमने परमिशन लेके प्रॉपर हम वर्कशॉप वगैरह सब करते थे और उन पलों को क्रिएटिव तरीके से जीने की कोशिश करते थे पॉजिटिव रहते थे सबसे जो भी आ, मिला उसे रिस्पेक्ट से बात की और मुझे लग रहा है कि कोशिश की कि बहुत सारे लोग ऐसे जेल में मिले आ, और उसमें कुछ फंक्शन भी हुए थे जिनमें हमें कुछ स्पीच देने का भी मौका मिला और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि राजपाल आई थिंक आपसे मिलना हमारा एक योग है संयोग है और आ, ये कुछ चीज़ें तो आप ऐसी देख गए हो कि यहाँ से निकल के बाद में जीवन हंड्रेड परसेंट हमारा बदलेगा आपके नज़रिए से जेल कैसी जगह जैसे हमारे नज़रिए से जो हमें काम मिला है यहाँ पर रहने के लिए और इससे तो हमारे लिए कंप्लीट वो एक आ, पॉजिटिव ही थी और हमने उसमें कोशिश की कि कंप्लीट एक इंसान और ज़िंदा इंसान बन के रहो और जो मिले हमेशा उससे पॉजिटिव बात हो और हमने और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक जो जितने दिन जो आदमी रहता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक यहाँ पे इस नंबर पे यहाँ पे बिताया मैं आपको अनकम्फर्टेबल कर रहा हूँ नहीं कोई अनकंफर्टेबल वाली बात नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में आप जहाँ पे भी रहो तो उसमें अपना बेस्ट दे के रहो क्योंकि स्वभाव कभी चेंज नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव है कि हम जहाँ भी रहें वो जंगल भी है अगर तो वहां मंगल होना चाहिए खुशी थी वहाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं होती खुशी उसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं जिसकी वजह से हम हम अच्छे व्यवहार के साथ अच्छे सिस्टम के साथ अच्छे अनुशासन के साथ हमें जो काम हमारा जो जॉब हमें जो जहाँ पे बैठना हमने उसका सबका पालन किया हृदय से पालन किया और उसका हमें चरित्र प्रमाण पत्र भी मिला कि आपने बेस्ट अनुशासन तरीके से पूरे प्रशासन को सपोर्ट किया और और हम और हमसे कि वो बोलते हैं कि कोई चीजें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको एक लाइन में अगर तो जो भी है आज भी या कल भी या आने वाले कल में जो भी है कभी ऐसे उसको सामना करने का मौके से बचाए तो जो भी हो उसको छाती देख रही हो और आंखें उससे कम्युनिकेशन कर रही हो और किसी भी कंडीशन में खुशी रहने की कोशिश करनी चाहिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी मुश मुश्किल चीज़ थी कि अपने आप को अपने आप को समझाना तो बड़ा कमाल की उसमें बड़े महेश भट्ट साहब एक बार आए थे और अचानक सुपरिनटेंडेंट साहब बोले कि आप की मिलाई है तो उसमें पता लगा कि भट्ट साहब बैठे हुए हैं तो भट्ट साहब ने एक बड़े गार्जियन की तरह एक बात बोली और बोले कि तू ये यहां पे अभी है तो तू अब तुझे किस किस बात पे हंसी आती है ये तू लिख तो मैंने दो ढाई सौ पॉइंट लिखे थे कि मुझे किस किस बात पे अपने ऊपर हंसी आती है तो वो आई थिंक बेस्ट एक सलाह व अनुभव था हमें और वो मजा आया मुझे लिखने में मैंने लिख के रखे हैं कभी मौका लगा तो उनको छपाई भी करवा दूँगा <स्थाथ> यही बदला आप में नहीं बदला तो मैं हमेशा अपने आप को बचपन से ही लगातार हर दिन अपने आप को चेंज क्योंकि मैं ने, नेचर मैन हूँ और नेचर हमेशा चेंज होती रहती है बिल्कुल फ्रेश होने के लिए तो मैं अपने आप को बिल्कुल नेचर के साथ अपने आप को हर समय कोशिश करता रहता हूँ कि नेचर की कलर की तरह कलर आते रहें और सब कलरों की विटामिन मिलती रहे जब मैं आपका बॉम्बे जर्नी इंटरव्यू देख रहा था मेरे खुद के रिसर्च के लिए तब आपने एक मंदिर की ओर पॉइंट करके कहा कि हाँ वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है बस मैंने पॉज कर लिया और खुद को ये बोला कि आज का इंटरव्यू अच्छा जाएगा <laughs> कि आप अब मेरी तरह फिर हाँ बिल्कुल एनर्जी अब नोटिस करते हो ऐसी अरे सर आप कैसे बोले एक बड़ी अच्छी लाइन हमने उस दिन किसी ने बोली और कोई अपने बढ़िया पत्रकार हिके मुंह से ही सुनी है कि दो तरीके जीने के तरीके हैं कि एक जो हासिल नहीं है उसके लिए रोना जी और जो हासिल है उसकी इज्जत ना करना और एक आज तक जितना शरीर है उतना मतलब शब्द अगर शब्द का कोई वजन हजारों फीट होता है लेकिन ऐसे नहीं मात्रा कितनी है बताई नहीं जाती कि एक ग्राम है कि उसकी मात्रा नहीं बताई जा सकती तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हासिल नहीं है उसके लिए तो रात दिन प्रयास करना और जो हासिल हो गया है उसको बिल्कुल दुदमुहे बच्चे की तरह अपनी झोली में बिठा खूब पसंद करना और उसके लिए ऊपर वाले को जितना चाहो उतना धन्यवाद देना आई थिंक तो दोनों तरीके हैं जीने के ब्रदर कि अगर आपको जो हासिल नहीं है उसके लिए आप बिल्कुल वो रहिए और जो पसंद है उस वो आपको जो पस जो आपको मिल चुका है वो पसंद नहीं है और जो मिल जो मिला नहीं है उसके लिए आपको बहुत तीज है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन अगर मुझे मिले तो मुझे जो हासिल नहीं है उसके लिए रात दिन प्रयास करना है जो लेकिन जो हासिल हुआ है उसके लिए सौ जन्मों तक शत, शत शत नमन करना है जिस कोई तो है जिसने आंखें बनाई उसको मैं अंदर अंदर राजपाल नौरंग यादव के रूप में मतलब जितना वजन है उससे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ राजपाल यादव से यही था आज का पॉडकास्ट आई होप कि आपको मजा आया बहुत अच्छा लगा रियली इट वॉज ग्रेट मैं जैसा आपके आपका पॉडकास्ट देखा जैसे आपके एपिसोड देखे जैसे आप अलग अलग पर्सनालिटी के साथ आप बैठते हो लेकिन आप डेफिनेटली बहुत ही हमारी ही देश की हीरे रूपी पर्सनालिटी हो ब्रदर और आपके संस्कार आप साधना आपकी आध्यात्मिकता और आपके बोलते ना कि हाउ टू टॉक हाउ टू वॉक हाउ टू सिट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ योर सेल्फ एक्टिंग <laughs> तो वो उसमें आप बिल्कुल सो में एक सौ दस नंबर नहीं, नहीं थैंक यू सर और मजा आया मुझे भी बहुत, you, और टी शो। <laughs> थिंक बहुत सारे इंटरव्यू किए लेकिन ये बेस्ट अभी आ, तक का थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू आपके जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा जी बहुत खुशी मिली आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे दुखी मोमेंट्स हुए जहाँ आपकी फिल्मों से खुशी मिली थी बचपन में मेरा बचपन काफी ज्यादा रफ था राहु का इफेक्ट था मेरे बचपन में <laughs> नहीं वो अच्छा। कॉन्वर्सेशन जी पर काफी मुश्किल बचपन था और आपकी फिल्मों की वजह से बहुत शांति मिलती थी मुझे इसलिए आज भी मैं आपके मीम्स देखते रहता हूँ बिलो हाँ जब जब मुझे मेरे खुद के बचपन में एटलीस्ट मुझे अगर मेरे खुद के दिल को मेरे बचपन में भेजना तो मैं आपके मूवीज आपके सीन्स की वजह से मेरे दिल को वहाँ तक पहुँचाता हूँ तो बस थैंक यू आ, ये कहना चाहूँगा सर बस आप आप छोटे भाई आप खूब पूरी दुनिया में हर किचन में हर बच्चे की दिल की धड़कन बनो ऐसी दुआ करता हूँ आपसे इंस्पिरेशन ले और हमारे बड़े भाई कितने हैं आशुतोष राणा जी।, जी बहुत ही प्यारे नॉलेज मतलब जिसको साहित्य का अच्छा ज्ञान मानता हूँ वो हमेशा एक लाइन बोलते थे वो कि अगर सूरज की रोशनी मुझ पे पड़ रही है तो हमारे साथ अगर दस लोग खड़े हैं उन पे भी सूरज की रोशनी पड़े उससे हमारे ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने वाली कम नहीं हो जाएगी और जो आपने अपने बचपन की बात किया जो मैंने अपना बचपन देखा है जिसकी पाँच घंटे भी कम हो जाएंगे जब बचपन की बात करेंगे या बचपन के सर्वाइवल की बात करेंगे लेकिन हृदय से मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ कि रणवीर जी से मिल के प्रेरणा के थ्रू या जो भी तो ये जो टिम्फियो कार्यक्रम लेके आए हो और इसको जिस दिन आप देख के आई थिंक हंड्रेड परसेंट हम उसी बचपन के उन बेस को उस तैयारियों को फिर जागरूक करने आए हैं तो इसलिए आज आने वाले दिनों में हम कितने भी मशीनीकरण में रहें लेकिन क्रमबद्ध नॉलेज और आजकल के बच्चों में लक्ष्य ना वो लक्ष्य को डिसाइड ना कर पाना गोल को लोग गोल सोच आज एक गोल बनाया कल दूसरा तो लक्ष्य का जो है फ, फिक्स ना कर पाना फाइनल नहीं कर पाना बहुत सारे कंफ्यूजन है बीच बीच में हमेशा आपके लिए इसमें जो पांच विषयों बात की है अगले टिम्फियो टू में दो टिम्फ्यो टू में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जी लेकिन जीवन में सफलता अगर पानी है तो नियम अपना लो ब्रदर जितने भी लोग सुनते हो चाहे अगर बूढ़ा आदमी हो कि वो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो कुछ नियम अपने अंदर बिठाओ और गोल बनाओ हंड्रेड परसेंट वो वाइब्रेशन आपके करीब आके और आपको वो रास्ता दिशा मिलती है उसके प्रमाण आप भी हो उसके प्रमाण हम भी हैं और भी नए लड़के लड़कियां हैं और बहुत पुराने लोग हैं जो अलग अलग जिनकी अपनी उदाहरण है और वही तो टिम्पियम देखने को मिलेगा राजपाल यादव सर आप पॉडकास्ट की दुनिया के लिए एक तोहफे हो Uh, बहुत अच्छा you लगा आपसे आप बात करके ये ये थोड़ी सी प्री थी ये मेरा मानना है। आपके अंदर इतनी है अच्छा लग रहा है thank बहुत दिल खोल के बात करने की इच्छा हो रही जी, 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 लेकिन मुझे लगता है पांच घंटे बैठे रहेंगे तो भी क्योंकि <laughs> तीस पैंतीस साल के अनुभव हैं खत्म नहीं होंगे लेकिन अल्टीमेटली लव और रिस्पेक्ट यूर मजा आ गया द रणवीर शो हिट है TRS की सबसे छोटी आउटरो नहीं क्योंकि राजपाल यादव से जब आप इन पर्सन मिलते हो ऑब्वियसली उनकी वो मजाकिया वाइब आपको फील हो जाती है उनका बहुत उनकी इनोसेंस उनकी इनोसेंस आपको फील हो जाती है आ, जो पॉजिटिविटी है उनकी वो फील हो जाती है दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड कि प्रियदर्शन सर ने डेविड धवन सर ने इनके साथ इतना काम क्यों किया वाई इज़ य पार्ट ऑफ कॉमेडी मूवीज एंड आई एम श्योर की आज के इस लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन से आपने इनके दिल को जाना होगा मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हमने लिंक कर दिए हैं नीचे प्लीज़ जाकर इन्हें सपोर्ट कीजिए फॉलो कीजिए हर जगह ये फिल्म इंडस्ट्री के एक ट्रू लेजेंड है एंड ही डिज़र्व ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन इंटरनेट बहुत ही जल्द राजपाल से लौट कर आएंगे पी पर तब तक ये बताइए कि ये वाली कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी